दोस्तों एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारी पृथ्वी में जितने भी प्रकार के जीव रहते हैं उन सभी का अपना अलग अस्तित्व और अलग लाइफस्टाइल होती है जो अपने आप में ही अनोखे होते हैं। इसलिए आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे जानवरों को देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने उन जानवरों के दांतों पर नजर डाली है? क्योंकि जानवरों की लाइफस्टाइल ज्यादातर उनके दांतों पर ही डिपेंड होती है और उसी से पता चलता है कि वो किस तरह का खाना खाएंगे। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे दांत वाले जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऑसम वीडियो को। हम्बोल्ट स्क्वैड। सबसे पहले मिलिए हम्बोल्ट स्क्वैड से। ये एक ऐसे प्रकार का समुद्री जीव होता है जो हम इंसानों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि 1.5 मीटर लंबा ये जीव कब हमला कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं। और तो और इसके दांत इसके शरीर के आकार और बनावट से बिल्कुल विपरीत लगते हैं, क्योंकि इसके दांत मोटे और नुकीले होते हैं जो इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि इंसान की हड्डियां तक तोड़ कर रख सकते हैं। और इसी कारण अगर एक बार इस समुद्री जीव ने हम पर हमला कर दिया तो इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके दांत होते हैं। और उनका आकार तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक है। फ्रिल्ड शार्क। अब आप पानी के लगभग 1.5 किलोमीटर गहराई में रहने वाले इस शानदार शार्क को देखिए, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे हम इंसानों का शिकार करने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी भी तरह से कमजोर है। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो जरा एक नजर इसकी मुंह की तरफ डालिए, क्योंकि इसके मुंह का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, खास तौर पर इसके दांत, क्योंकि इनके मुंह में करीब 300 दांत मौजूद होते हैं। इनके हर दांत का साइज बहुत ही पतला सा और छोटा सा होता है और कई सारे दांत एक झुंड में लगे होते हैं, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। और ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि कोई भी चीज अगर एक बार इनके चंगुल में फंस गई तो उसका बच के निकल पाना बहुत मुश्किल है, जिसका अंदाजा तो आपको इनके दांत देखकर ही लग गया होगा। पेंगुइन। अब आते हैं हम सभी के प्यारे पेंगुइन पर। वैसे तो इनके मुंह में आगे की तरफ एक लंबी सी चोंच होती है और इसी चोंच के सहारे जब ये खाना खाते हैं तो तुरंत अंदर की तरफ निगलते हुए चले जाते हैं, जिसे देख ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इनके मुंह के अंदर दांत नहीं होते, तभी ये अपने खाने को डायरेक्ट अंदर की तरफ निगलते हुए चले जाते हैं। और अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर पेंगुइन का मुंह खोल कर देखा जाए तो उसके मुंह के अंदर कई सारे छोटे छोटे नुकीले दांत मौजूद होते हैं जो ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं। और जब ये किसी मछली या दूसरे जीव को अपने अंदर लेते हैं तो इन दांतों की मदद से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तब जाकर ये अपने पेट के अंदर उस जीव को जाने देते हैं। एंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चींटियों के दांत नहीं होते, लेकिन आप में से बहुत से लोग अब ये सोचेंगे कि अगर दांत नहीं होते तो ये हमें काटती कैसे है। तो गाइज, ये अपने जबड़े के ऊपरी हिस्से जो कि इसके मुंह की आगे की तरफ निकले हुए होते हैं उसकी मदद से ये काटती है, और वो इतने ज्यादा घातक रूप से इनके शरीर में लगे होते हैं कि वो किसी भी चीज को काटने में सक्षम होते हैं। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह छोटी से छोटी चींटी के जबड़े भी खतरनाक रूप से मौजूद हैं, जो इनके फूड को ग्रहण करने में मदद करते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि चींटी जितनी खतरनाक होती है उनके ये जबड़े भी उतने ही खतरनाक होते हैं, जिनकी मदद से वो अपना शिकार करती हैं। हम्पबैक व्हेल। वैसे तो मैं कभी भी दुआ नहीं करूंगा कि आपको इस व्हेल का मुंह देखने की नौबत आए, क्योंकि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं इसका अंदाजा आप इसके साइज से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके मुंह के हिस्से की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसके मुंह के अंदर बाल होते हैं। हाँ, ये चीज देखने में बहुत ही अजीब है कि किसी जीव के मुंह के अंदर इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन इनके मुंह के ये बाल इनके पेट में जाने वाली हर चीज को अच्छे से फिल्टर करते हैं और पूरी तरह से चेक करते हैं कि जो चीज इनके मुंह में जा रही है वो सही है या नहीं। इनके मुंह के हर हिस्से में करीब 250 से लेकर 400 बाल की प्लेट्स मौजूद होती है, जिनका साइज 100 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। गूस। अब हम बात करते हैं गूस यानी कि बतख की। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और आप सबने इसे देखा भी होगा, और तो और इसके मुंह के हिस्से से भी वाकिफ होंगे, क्योंकि इन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है और इसी वजह से ये इंसानों का पीछा करना भी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वक्त आने पर उन्हें काट भी सकते हैं। और जब काट सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके दांत तो होते ही होंगे। हाँ, भले ही वो इनकी शानदार चोंच के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन अगर कभी आपने इनके दांत देख लिया तो शायद ही आप इसके पास जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके दांत भले ही छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि अच्छा खासा घाव देने में पीछे नहीं हटते। इसलिए अब जब कभी भी आपको बतख दिखाई दे तो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये गुस्सैल के साथ साथ नुकीले दांत वाले भी होते हैं। मोरी ईल्स।
दोस्तों, अगर आप एक सांप लेंगे और एक मछली लेंगे, उसके साथ उसमें कई सारे दांत डाल देंगे, तो ये शानदार क्रिएचर बनकर निकलेगा जिसका नाम मॉरी ईल्स है, क्योंकि इसके दांत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शार्प होते हैं और इतने ज्यादा नुकीले होते हैं कि कई बार यह जीव अपना मुंह ही नहीं बंद कर पाते। लेकिन इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हीं नुकीले दांतों की वजह से ही ये अपने शिकार को इतनी शानदार तरीके से जकड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर ही ना निकल पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके शिकार करने का तरीका भी अलग होता है। ये पहले आगे के दांतों की मदद से शिकार को पकड़ते हैं और फिर पीछे की दांतों से उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाते हैं, जिस वजह से शिकार बचकर जा ही नहीं पाता। और अगर इनके दांतों की बात न की जाए तो भी इनको देखकर ही डर लग सकता है, क्योंकि इनका साइज और शेप दोनों ही खतरनाक होता है। लैम्प्री। दोस्तों, इस समुद्री जीव को तो हम किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये अपने से बड़े जीवों का भी शिकार बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपने से बड़े जीवों का ही शिकार करते हैं, क्योंकि ये उनके शरीर में चिपक कर ना सिर्फ उनका खून पीते हैं बल्कि उनका मांस भी निकाल लेते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ये आखिर ऐसा करते कैसे हैं? तो गाइस, उसके लिए सबसे पहले हमें इसके मुंह का नजारा देखना पड़ेगा, जिसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि इनके गोल आकार के मुंह में बहुत से नुकीले दांत मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये बड़े समुद्री जीवों के शरीर में पूरी तरह से चिपक जाते हैं। और फिर अगर आप इनकी जीभ के पास देखेंगे तो वहां भी दांत मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये खून को पीने का काम करते हैं। कुछ भी कहिए, ये समुद्री जीव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनसे ना सिर्फ हम इंसानों को बल्कि अन्य समुद्री जीवों को भी बचकर रहना पड़ता है। लेदरबैक सी टर्टल। कछुए को देखकर हमें पुराने जमाने की याद आ जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका आकार और इनकी चाल है। खैर, कभी कभी तो ये क्यूट लगते हैं और कभी कभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेकिन अगर बात समुद्र में रहने वाले लेदर ब्लैक सी टर्टल की आती है तो ये देखने में तो वाकई बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इनके दांतों के दर्शन करेंगे तो आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनके दांत किसी हॉलीवुड मूवी के मॉन्स्टर से कम नहीं लगते, जो आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब मुंह की इतनी गहराई तक आपको सिर्फ दांत ही दांत नजर आएंगे, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और इन्हीं दांतों की वजह से इन्हें पानी में रहने वाले जेलीफिश और अन्य मछलियों को खाने में आसानी होती है। और इनका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि कोई जीव अगर एक बार इनके दांतों में फंस जाए तो वो दोबारा खुद को छुड़ा ना पाए। नेक्ड मोल रैट। दिखने में जितना ही अजीब है उतना ही प्यारा भी है, लेकिन बस इसकी एक चीज जो कि किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, वो इसके बाहर की तरफ निकले हुए दांत, जो इसे बहुत ही ज्यादा बदसूरत बनाते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन अगर हम इसके दांतों की बात करें तो दिखने में तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में यही दांत इनको अच्छी तरह से चबाने के साथ साथ खाने में मदद भी करते हैं, क्योंकि इनके दांत इनके होठों से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जिसके कारण ये बाहर की गंदगी को अपने मुंह में जाने नहीं देते। उसके साथ ही इनका मुंह काफी ज्यादा लंबा होता है और ये 180 डिग्री में अपने मुंह को खोल सकते हैं। शिप शेड। अब आप एक ऐसी मछली से मिलिए जिसके दांत बिल्कुल हम इंसानों की तरह हैं। जी हाँ, आप खुद ही इन मछलियों की दांतों पर नजर डालिए, जिससे आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इनके दांतों का आकार बिल्कुल इंसानों की तरह है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये किसी भी चीज को खा नहीं सकती। मैं आपको बता दूं कि इनके दांतों का आकार भले ही इंसानों के जैसा हो, लेकिन मजबूती के मामले में आपको इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। इसके ये दांत इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये ऑलमोस्ट सभी समुद्री जीवों को खाने में सक्षम है, फिर चाहे वो क्लैमस हो या फिर अन्य समुद्री मछलियां। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक दांत किस जीव का लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।